अब अपने पास में ये आया, जैसे लिमिट ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको अपन ने लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा को अपन ने ऐसे लिख दिया साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन और नीचे डी टी है उसको भाग दे दिया। तो इसको साइन डेल्टा थीटा को अपन ने साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा के फॉर्म में लिखा है, तो डेल्टा थीटा से ऊपर भी न्यूमरेटर को भी गुणा करना पड़ा, तो इस तरह से डेल्टा थीटा अपॉन डी टी के रूप में आ गया। अब अपन जैसे लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो इसको अपन आगे लिख सकते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो क्या होगा, डेल्टा आर टेंस टू भी जीरो होगा, डेल्टा थीटा आल्सो टेंस टू जीरो होगा। तो उस स्थिति में साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई ये लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होता है 1, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू क्या होता है डी थीटा बटे डी टी। तो और जब इस तरह से अपन ने लिख दिया इसको एक्सप्रेशन को लिमिट डेल्टा आर टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर इंटू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये सब लिखने से अपने पास में ये आ गया। इसको अपन ने क्या लिख दिया आर इंटू वन डेल थीटा अपॉन डी टी और दिस इज इक्वल टू क्या हुआ आर थीटा डॉट। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी हुई ये क्या है थीटा के बढ़ती हुई दिशा में कार्यरत है, अर्थात और किसके और क्या है ओपी के लंबवत है, थीटा की डायरेक्शन जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है उधर इसका वैल्यू क्या होता है उधर होती है ये कार्यरत होती है ये। तो इस तरह से अपन ने निकाला कि रेडियल वेलोसिटी तो क्या हो गई, रेडियल वेलोसिटी तो हो गई आर डॉट, इसको अपन ने मान लो यू का, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हो गई आर थीटा डॉट हुई, तो उसको अपन मान लीजिए वी कहते हैं। अब मान लीजिए यू और वी का परिणाम ही क्या है, इसका रिजल्टेंट जो आता है वी है, तो उसका रिजल्टेंट वी बराबर अपन क्या ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर का ऑल अंडर रूट। तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका यू इसका दोनों का रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का जो इनका जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इसी तरह से अपन ये जैसे देखते हैं, जैसे मान लो वी क्या है ओपी के साथ में, ये जो वी है ओपी के साथ में मान लो ये ओपी के साथ में कितना कोण बना रहा है, मान लो अल्फा कोण बनाता है, ओपी क्या है रेडियस वेक्टर है उसके साथ अल्फा कोण बनाता है, तो टेन अल्फा बराबर अपन क्या ले सकते हैं आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट, और दिस इज इक्वल टू अपन क्या ले सकते हैं आर थीटा डॉट, जैसे डी थीटा डॉट का मतलब होता है डी थीटा अपॉन डी टी और आर डॉट का मतलब क्या होता है डी आर अपॉन डी टी, तो ये हुआ है आर थीटा अपॉन डी आर, आर डी टी दोनों ऊपर नीचे होने से कैंसिल हो जाएंगे न्यूमर, और तो क्या आया आर डी थीटा अपॉन डी आर, और ये बराबर क्या होता है टेन फाइव होता है। तो इस तरह से जो अल्फा जो हुआ अल्फा किसके बीच में है वेलोसिटी और ओपी के साथ में जो एंगल है वो अल्फा है, तो और यहाँ फाई क्या हो गया, फाई जो है ओपी तथा पी पर स्पर्श रेखा का बीच का कोण है, तो अतः स्पष्ट क्या है इसे स्पष्ट है कि पी पर जो वेग होगा वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। तो इस तरह से अपन ने क्या अध्ययन किया रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी क्या होती है आर डॉट और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है आर थीटा डॉट, और इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी वी हुआ। और यदि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वी है ये रेडियस वेक्टर के साथ में अल्फा कोण बनाती है, तो टेन अल्फा बराबर टेन फाई अपन ने प्रूव किया। तो इस तरह से अपन ने ये सिद्ध किया कि जो वेलोसिटी होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। धन्यवाद।